सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा के बहुचर्चित पेपर लीक मामलों में सोनीपत एसटीएफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है और सोनीपत एसटीएफ ने रेलवे कर्मचारी समेत अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि तीनों से गहनता से पूछताछ की जा सके। हरियाणा के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में हरियाणा की सोनीपत एसटीएफ यूनिट लगातार इस मामलों के सरगना समेत दलालों पर अपना शिकंजा कसती नजर आ रही है और आज इसी कड़ी में यूनिट ने सोनीपत के रहने वाले सुनील और मनजीत को झज्जर के रहने वाले विशाल को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मनजीत 2018 में फर्जी तरीके से रेलवे का पेपर पास करके भर्ती हुआ था और अभी जोधपुर में पोस्टेड है। वहीं सुनील ने गोहाना में आरजे स्किल डेवलपमेंट के नाम से 2 कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं। इन तीनों का सरगना रूबिन कई महीने पहले सोनीपत एसटीएफ के हत्थे चढ़ चुका है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। पटलिक मामले में आज हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशाल खैरपुर है बहादुरगढ़ का, एक सुनील है सिकंदरापुर माजरा गोहाना का और एक मंजीत है गोरड़ का। ये तीनों आदमी जो मैन गैंग मेंबर्स हैं उनको कैंडिडेट देते थे। मंजीत खुद भी अपना नकल से अपना पेपर पास करके और रेलवे में लगा हुआ है, विशाल बैंक में लगा हुआ है और सुनील जो है इसने अपने कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं। तो कोचिंग सेंटरों में जो बच्चे इसके पास पढ़ने के लिए आते हैं उनको ये मोटिवेट करके फॉर्म वगैरह भरवा देता है और अपनी लैबों के ही सेंटर जो है ना, ये गैंग मेंबर्स की जो लैब हैं उन्हीं में सेंटर दे देते हैं। इस प्रकार से ये कमीशन लेके कैंडिडेट दे देते हैं गैंग मेंबर्स को और उनसे फिर पैसे इनका बीच में कमीशन होता है। सर, जिस प्रकार से ये कोचिंग सेंटर है, कहाँ पर कोचिंग सेंटर था और किस नाम से ये चल रहा था, कब से चला रहा था? ये गोहाना में आरजी स्किल डेवलपमेंट के नाम से कोचिंग सेंटर, 2 कोचिंग सेंटर हैं इसके गोहाना में ही हैं दोनों के दोनों। और ये रोबिन धर्मेंद्र सतीश हरपाल है इस गैंग के जो मुख्य सरगना है, उनके साथ मिलके ये काम करता था। सर, ये विशाल जो है ये किस बैंक में काम करता था? विशाल इस बैंक बहादुरगढ़ में काम करता है, कानोंदा में पढ़ता है। मंजीत काफी काम जो है सर, मंजीत जोधपुर पोस्टिंग है अभी, ये रेलवे में लगा हुआ है। सर, कोई ब्रांच है क्या रेलवे की? हाँ, ये जो डाक पार्सल वाली जो रेल होती है उसमें इसकी ड्यूटी रहती है।